स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको देता हूं डेली बेसिस पे टारगेट। तो आज से एक वीक तक यानी आज से 5 दिन तक मैं आपको टारगेट इसी तरीके से दूंगा। क्योंकि मैं इस समय आउट ऑफ स्टेशन हूं तो आपको इसी तरीके से एक हफ्ते मैनेज करना पड़ेगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले आज क्या करना है। तो देखिए, शुरुआत आपको इंडियन इकोनॉमी से करनी है। आज का सबसे पहला टारगेट लिखिए, इंडियन इकोनॉमी में आपको सबसे पहला काम करना है कि वीडियो नंबर 1 से लेकर के वीडियो नंबर 25 तक, क्योंकि आज ये लास्ट है इंडियन इकोनॉमी का, तो आपको वीडियो नंबर 1 से लेकर के 25 तक पूरी वीडियो आज शुरुआत से रिवाइज करिएगा। हाँ, इसमें एक पार्ट छोड़ दीजिएगा, बजट वाला पार्ट, क्योंकि बजट वाला पार्ट को आप रिवाइज मत करिएगा। ठीक, बजट वाला पार्ट इसलिए रिवाइज मत करिएगा क्योंकि उसके बाद से बजट रिवाइज होके आ गया है। मैं उसके लिए 1 से 2 वीडियो बना दूंगा अलग से। बजट वाले पार्ट के 3 से 4 वीडियो को स्किप करके बाकी का वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 25 तक पूरी वीडियो ध्यान से पढ़िएगा। आपको यहाँ से कम 7 प्रश्न आराम से मिलेंगे UPPSC में, चाहे वो RVRO हो चाहे वो UPPCS हो। तो ये हो गया सबसे पहला काम। ठीक, इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको टॉपर्स कोड पर आज जाना है। आज अपने आप में ये बड़ा काम है। ठीक, टॉपर्स कोड पर जाने के बाद आपको एक इकोनॉमिक्स का एक और फुल लेंथ टेस्ट देना है। याद रखिए, इकोनॉमिक्स का फुल लेंथ टेस्ट। हाँ, अगर आप मुझसे नया टेस्ट चाहते हो, जैसे पैटर्न तो बहुत अच्छा है, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सर टेस्ट का ग्रेड और ऊपर कर दीजिए, तो वो भी मैं अगले 10 से 15 दिन में बना रहा हूँ। ठीक, बट फिलहाल के लिए टॉपर्स कोड पर जाइए, ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। वहाँ पे टॉपर्स कोड पर जाने के बाद इंडियन इकोनॉमी का एक फुल लेंथ टेस्ट आप फिर से देंगे 150 प्रश्न का, अगर आप PCS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और अगर आप RVRO का देने जा रहे हैं तो आप 140 प्रश्न वाला RVRO का टेस्ट देंगे, लेकिन एक फुल लेंथ टेस्ट देना मैंडेटरी है। जब आप टेस्ट दे लें तो मुझे आप ये मत समझिएगा कि नहीं होगा, है कहीं मतलब टेस्ट 5 से 6 हैं स्पेशल टेस्ट, और नॉर्मल भी टेस्ट इकोनॉमिक्स के 2 से 3 टेस्ट हैं। तो आपको टेस्ट देना है, कोई भी एक टेस्ट उठाइएगा, पहले ना दिया हो वो टेस्ट उठाइएगा। ठीक है, टॉपर्स कोर्ट से ये हो गया दूसरा काम। और तीसरा काम सबसे ज़रूरी है, अगस्त 2024 का आपको करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 3 अटेम्प्ट करना है, और 60 प्रश्न है। याद रखिएगा, पार्ट नंबर 3 में 60 प्रश्न है। 60 प्रश्न में से जरा सा अटेम्प्ट करके देखिएगा आपका क्या 50 से ज़्यादा सही हो रहा है। अगर 50 से ज़्यादा सही हो रहा, 55 इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसकी PDF आपको दे रखी थी पूरी अगस्त। मैं आपको जुलाई ऑनवर्ड्स जितने मंथ के करंट अफेयर्स की PDF है, हर PDF प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। ठीक, तो अब आप यहाँ देख लीजिए, सबसे पहला काम इंडियन इकोनॉमी को पूरा 1 से 25 तक पूरा रिवाइज करना है। दूसरा, टॉपर्स कोड पर एक फुल लेंथ इंडियन इकोनॉमी का टेस्ट देना है। और तीसरा, आपको करंट अफेयर्स, आज ज़्यादा काम नहीं है। ठीक, तीसरा आपको करंट अफेयर्स, वो भी अगस्त का पार्ट 3 नंबर अटेम्प्ट करना है। अगर आप टारगेट एक्सेप्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस आई एक्सेप्ट दी टारगेट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। एक से मतलब अगले एक वीक यानी अगले 5 दिन, चूँकि मेरा बड़ा ज़रूरी काम है, मैं बनारस में हूँ। ठीक, किसी को मिलना हो तो मैं दिन में मिल भी सकता हूँ। ठीक, तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो खूब बढ़िया इतना पूरा करिए। थैंक यू सो मच।